दोस्तों, बॉलीवुड कई प्रेम कहानियां चर्चित है, जिसमें किसी की प्रेम कहानी अंजाम तक पहुंची और कईयों की तो प्रेमी कहानी दस्तक देने से पहले ही बिखर गई, और कुछ तो अपनी प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तड़े अचपते हुए। एक ऐसी ही प्रेम कहानी सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की, जिन्होंने एक दूसरे को दिल तो दे दिया लेकिन कभी इन्हें एक दूसरे का साथ नसीब नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं इनकी प्रेम कहानी के बारे में। वैसे तो सनी पाजी के साथ कई अभिनेत्रियों का नाम जुड्ढा, पर डिंपल के साथ रिश्ते को लेकर वो काफी चर्चा में रहे और शादीशुदा होने के बावजूद इन दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय तक चला था। पने पहले प्यार अमृता सिंह से अलग होने के बाद सनी को सहारे की जरूरत थी। इधर डिंपल और राजेश खन्ना का तलाक हुआ ही था, डिंपल भी तन्हा थी। दरअसल यह वह दौर था जब डिंपल शादी और मां बनने के बाद फिल्मों में कमबैक कर चुकी थी। उस दौर में ये बातें भी सामने आई थीं कि उस वक्त शादीशुदा होने के बावजूद सनी ने डिंपल को अपनी बीवी जैसा दर्जा दे रखा था। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। कहा जाता है कि सनी जब डिंपल से मिलने उनके घर जाया करते थे तो उनकी दोनों बेटियों से भी एक्टर की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हालांकि एक दूसरे से बेहद प्यार करने के बाद भी इनका रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सका था, क्योंकि न तो सनी अपनी पत्नी पूजा को तलाक दे सके और न ही डिंपल ने राजेश खन्ना से अपनी शादी तोड़ ली। डिंपल की ख्वाहिश थी कि सनी उनसे शादी करे, लेकिन सनी पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है कि इसी वजह से 27 साल तक राजेश खन्ना से अलग रहने के बाद भी डिंपल कपाड़िया ने उनसे तलाक नहीं लिया था। सनी देओल और डिंपल का रिश्ता करीब 11 साल चला था।